बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने ट्यूजन पेपर हैकर में मैं सूरजराज और आज की वीडियो देखने वाले हैं जो भी छात्र देखिये बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर में है बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर में ई e कॉमर्स का पेपर है आपको जो पेपर बनता है यहां हम क्वेश्चनों की बात करेंगे 2022 में आने वाले क्वेश्चन या फिर आप 2023 में पेपर दोगे 2024 में भी दोगे लेकिन एमसी क्यू महत्वपूर्ण होते हैं आपको पता है ठीक है यदि आपके पेपर में एमसीयू क्वेश्चन बनना है तो मैं आपसे वादा करता हूं कि इन क्वेश्चनों को यूनिट नंबर एक से हम तीस क्वेश्चनों को जो महत्वपूर्ण होंगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को एक बार ट्राई करिए हम लोगों ने क्या किया है एक क्वेश्चन दिया है उसका आंसर साइड में दे रखा है यदि आप को डाउनलोड करना चाहते हैं तो पेपर है आप अपना सब्जेक्ट को चूज करिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है का, और वहां से जाके और भी वीडियो देख पाएंगे सारे लिंक दे रखे या फिर आप हमारे जो कह सकते हैं प्ले में जाकर भी देख सकते हैं उसका मैंने लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं दिया लेकिन आप होम पेज पर जब जाएंगे वीडियो के आप इस चैनल के होम पेज पर जाएंगे ये आपको कुछ भी नहीं करना सिंपल तरीके से आप पेपर हैकर डॉट इन वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है उस बटन पर टच करो सीधे आप पहुंच जाएंगे हमारी वेबसाइट पर आपको थोड़ा सा नीचे जाना है और वहां लिखा होगा बी.कॉम कॉम सेकेंड सेमेस्टर उस बटन पर टच करना है उस पर आपको दो ऑप्शन लिखेंगे एक होगा महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट क्वेश्चन एक होगा एमसीक्यू क्वेश्चन इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन आपका आ रहा है तो एमसीक्यू को क्वेश्चन टच करिए रिटर्न एग्जाम आ रहा है तो रिटर्न टच करिए आपका भाई बहन हाई स्कूल इंटर बीए बीएससी बीकॉम एमएससी एम कॉम बीटे या एटेक कुछ भी कह रहा है एनीवे तो हमारे सब्जेक्ट से आसानी से मतलब बहुत अच्छे तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को प्राप्त कर सकता है और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो अभी अभी करो यार पहले तो ठीक है क्योंकि मैं आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आपके एग्जाम में आ रहा है छपेगा पक्का कोई हटा नहीं सकता है इस चीज को पहला क्वेश्चन आपके सामने ध्यान से देख लेना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है पहला बोल रहा है का मतलब परिभाषा लेकिन सामने देखो इस तरीके से दिया हुआ तो आप तुरंत आंसर दोगे क्योंकि आपको... लेकिन मैं आपसे बोल रहा हूं क्वेश्चन को पढ़ना है उसके बाद में आंसर पढ़ना है क्वेश्चन आंसर पढ़ना है कौन सा आंसर है बाकी और कोई ऑप्शन को नहीं पढ़ना है क्योंकि मैं आपको बेहतरीन तरीके से तैयार कर रहा हूं आपको तब पढ़ना है जब आप पेपर दे रहे हैं आपके सामने पेपर रखा है और आप तो क्या करेंगे क्वेश्चन को पढ़ेंगे और चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे तब आप कर पाएंगे पूरी अच्छी तरीके से देखो यहां कह रहा है ई e कॉमर्स का पूरा नाम क्या है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स co होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स भाई हमें याद हो गया हमें हम क्यों पढ़ेंगे इंटरनेट कॉमर्स या फिर इलेक्ट्रिकल कॉमर्स क्यों पढ़ेंगे हम हमें एक शब्द पढ़ रहा है प्र ई e कॉमर्स का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स होता है इसके अलावा कुछ नहीं होता हम पढ़ेंगे नहीं तो हमें एक्स्ट्रा हम कंफ्यूज नहीं होंगे अब हमने जो पढ़ाई नहीं है कि हमने पढ़ाई नहीं है कि जो इलेक्ट्रिकल कॉमर्स होता है इसका नाम हमने पढ़ाई नहीं है तो हम तो हमें तो सिर्फ जो पढ़ा है हमारे माइंड जो हमें याद किया बार बार वो पढ़ा है हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट क्वेश्चनों को रटने का तरीका होता है समझने का तरीका होता है याद करने का तरीका होता है समझ रहे मेरे आपको तो क्या पढ़ेंगे ई कॉमर्स का पूरा नाम क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स दूसरा नाम है ई e कॉमर्स का संबंध किससे होता है तो आप कहेंगे ई e कॉमर्स का संबंध मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का संबंध किससे होता है तो आप कहोगे उत्पादों के विक्रय और क्रय मतलब कि बेचने और खरीदने दोनों से संबंध होता है ई e कॉमर्स का तुमने आपने सुना होगा कि ई कॉमर्स वेबसाइट बना लो बहुत पैसे मिलते हैं मतलब क्या होता है ई e कॉमर्स का मतलब होता है ऑनलाइन वेबसाइट इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स बिजनेस कह सकते हैं अब देखो यहां ध्यान से देखो इलेक्ट्रॉनिक अब देखो इलेक्ट्रॉनिक मतलब ई कॉमर्स कैसे वेबसाइट जैसे कि अमेजॉन फ्लिपकार्ट मीसो गूगल मैं कुछ ऐसी वेबसाइट है जो बनी रखी हैं आप उस पर सर्च करके कपड़ा वगैरह मंगाते हैं तो ऑर्डर करते हैं बेच रहा है आप खरीद रहे हो तो क्रय जो प्रक्रिया हो रही है वो कॉमर्स का संबंध होता है, तीसरा का अर्थ क्या है? पूरा पढ़ा है ऊपर क्या कॉमर्स मुझे बताए ये तरीका होता है याद का दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहां कह रहा है इंटरनेट पर ग्राहक निम्न में से कुछ किस उत्पाद को खरीदते समय सहज करते हैं तो आप कहोगे देखो यार एक बात बताओ इंटरनेट पर ज्यादा कौन सहज करता है कौन किताबें खरीदेगा होगा टेपल, टैपलेट हो गया ठीक है और साथ ही साथ मोबाइल फोन इन सभी को खरीदने में सहज करते हैं बहुत ज्यादा भूमिका निभाते हैं तो ऑप्शन नंबर हम क्या करेंगे डी को लॉक कर देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला ई e कॉमर्स में लेन देन कैसे होता है वो कह रहा है ई e कॉमर्स में लेन देन जो होता है लेना और देना किस तरीके से होता है तो यहां देखो हम सीधे आंसर पढ़ेंगे फालतू तो कुछ नहीं पढ़ना है क्या है ई e मीडिया का प्रयोग करके क्या बोला गया ई मीडिया ई मीडिया का मतलब क्या जैसे कि फोन पे हो गया गूगल पे इनका काम करके ई e मीडिया के अंतर्गत रखा जाता है लेन देन ई e मीडिया द्वारा होता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ई e कॉमर्स का उपयोग करके ई e कॉमर्स का उपयोग करके निम्न में से कौन सा उत्पाद कम खरीदा जाता है तो कौन सा उत्पाद कम खरीदा जाता है ई कॉमर्स का प्रयोग करके बताओ सबसे कम क्या खरीदते हो लोग ई कॉमर्स के आप मुझे ये बताओ ई e कॉमर्स जो वेबसाइट होती है अमेजोन फ्लिपकार्ट उससे सबसे ज्यादा कम क्या किताबें तो सबसे ज्यादा खरीद जाती है सभी को बताए सॉफ्टवेयर भी लोग क्या है खरीदते हैं सॉफ्टवेयर की सीडी बना लेते हैं और खरीदते हैं लेकिन ऑटोमोबाइल आपने कभी ऑटोमोबाइल खरीदते हुए देखा है बताइए मुझे ई कॉमर्स पे ऑटोमोबाइल पढ़ा नहीं पड़ा होता तो ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देना यही खरीदते हुए नहीं देखा बहुत कम लोग खरीदते हैं ऑटोमोबाइल ठीक है याद रखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इस तरीके से आपको मैं समझा के बढ़ा रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन ई e कॉमर्स का लाभ है लाभ ई कॉमर्स के लाभ बताना ई कॉमर्स वेबसाइट है एमेजोन फ्लिपकार्ट का लाभ बता दो क्या लाभ है मुझे बताओ आप कहोगे भौगोलिक पहचान बनती है बिल्कुल ठीक है ठीक भौगोलिक का मतलब ठीक है उसके बाद में जानकारी साझा करना मतलब बहुत सारी जानकारी आपको वहां मिल जाती है ई कॉमर्स वेबसाइट पर एक नहीं बहुत सारे प्रोडक्ट आपको देखने मिलेंगे और साथ ही चौबीस इंटू सेवन ठीक है कवरेज मतलब कि चौबीस का मतलब होता है चौबीस घंटे इंटू सेवन का मतलब सात दिन तक लगातार मतलब कि कह सकते हो साल में तीन दिन होते हैं या फिर तीन दिन होते हैं उनमें टोटल एक भी दिन आपको जरूरत नहीं पड़ती कि भाई शॉप खुलेगी बंद रहेगी या फिर कुछ और होगा आज संडे है बंद रहेगा एमेजोन फ्लिपकार्ड ऐसा नहीं होता आप चौबीस घंटे इंटू सेवन यूज कर सकते हो ऑर्डर कर सकते हो और आपका ऑर्डर मिलेगा यह चीज आपको ध्यान रखनी है समझ के पढ़ना होगा तब हम बेहतर कुछ कर पाएंगे और अच्छे टॉपर लिस्ट में हम आ पाएंगे तो हम हमारे साथ जुड़े रहिए पेपर है पर नेक्स्ट क्वेश्चन है

कैश ऑफ डिलीवरी कर देना तो वो हो गया ऑनलाइन और ऑफलाइन सब कुछ होता है तो यहां उपरोक्त सभी को आप लॉक कर देंगे उपरोक्त सभी ठीक है ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन ठीक है जो विपणन होता है उसके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया ई कॉमर्स डॉट डॉट की ठीक है लागत घटने में सहायता करता है तो ई e कॉमर्स की डॉट डॉट घटने में क्या सहायता करता है तो आपका ऑप्शन आ जाएगा लेन देन को ठीक है लेन देन को घटने में और साथ ही साथ जो विपणन होता है विपणन उनको इन दोनों को ठीक है क्या करता है घटाने में सहायता करता है ठीक है तो यहां हम करेंगे ई कॉमर्स लेन देन और विपणन की लागत घटाने में सहायता करता है ठीक है ऑप्शन नंबर सी राइट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है निम्न में कौन सी ई कॉमर्स क्रिया नहीं है तो कौन सी ई कॉमर्स की क्रिया नहीं है देखो ई कॉमर्स क्या होता है लेन देन तो बी टू भी बिल्कुल होगा क्यों क्योंकि बिजनेस टू बिजनेस बी टू बी बिजनेस टू बिजनेस अब है सी टू क्या है सी टू बी सी टू का मतलब होता है मतलब सी टू इस तरीके से भी लिख सकते हैं लेकिन हमने टू यहां दो लिख दिया है सी टू बी मतलब कि जो व्यवसाय है बिजनेस टू यहां देखो बी टू बी का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस ये है सी का मतलब होता है क्या होता है सी का मतलब होता है कस्टमर ग्राहक ग्राहक टू बिजनेस ग्राहक टू बिजनेस तो बिजनेस यही होता है क्योंकि ग्राहक खरीदता है ठीक है वहां बिजनेस होता है अब देखो सी टू सी ग्राहक टू ग्राहक बिल्कुल कहां लेकिन ए टू बी यह नहीं होता ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देना ठीक है ई कॉमर्स प्रक्रिया में ए टू बी नहीं होता बाकी सब होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है ई कॉमर्स व्यवसाय ठीक है करने में ंगठों की सहायता करता है तो संगठनों की सहायता कौन करता है 24 घंटे करता है ठीक है जो ई कॉमर्स व्यवसाय होता है व्यवसाय या फिर बिजनेस कह सकते हैं करने में संगठनों की सहायता 24 घंटे करते हैं ठीक है ऑप्शन नंबर क्या है बीस राइट है चौबीस घंटे रहते हैं ई कॉमर्स में आप 24 घंटे ऑर्डर कर सकते हैं जो आपकी ऑनलाइन जो भी होती है एमेजॉन फ्लिपकार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन आ, सा कार्य ई कॉमर्स का नहीं है तो ई-कॉमर्स e का कौन सा कार्य नहीं है मुझे बताना ई-कॉमर्स e का कार्य कौन सा नहीं है तो आप कहोगे उपरोक्त सभी जैसे कि विज्ञापन दिखाना ई-कॉमर्स e वेबसाइट में आपने विज्ञापन दिखाते हुए देखा है कि भैया आज यूट्यूब यू यू पर एक ऐसा चैनल लॉन्च हुआ है जो बहुत बेहतरीन है कुछ ऐसा Amazon Flipkart वगैरह आपने विज्ञापन देखे है? नहीं तो यह बात सही है तो यह कार्य करने में कह रहा है देखो अब यहां कह रहा है विपणन करने में और साथ ही साथ कह सकते हैं तो वहां विज्ञापन करने में सहायता का करता, तो करता है तो यह मुख्य कार्य होता है ई कॉमर्स का ठीक है लेकिन ऐसा नहीं होता कि एमेजॉइन मतलब कि आप यूट्यूब पर कुछ ऐसा हुआ और ई कॉमर्स वेबसाइट ने दिखा दिया तो ऐसा नहीं करेगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन कार्य कौन सा कार ई कॉमर्स का कार नहीं है तो कौन सा कार ई कॉमर्स का नहीं है तो उपरोक्त में कोई नहीं उपरोक्त में कोई नहीं ठीक है तो करना, विज्ञापन करना ये तो कार है लेकिन इनमें से कोई नहीं है ठीक है इनमें से कोई नहीं दिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है कि अधिकांश व्यक्ति ई कॉमर्स के लिए ई कॉमर्स के किस रूप से परिचित है देखो अधिकांश जो व्यक्ति होते हैं वो ई कॉमर्स वेबसाइट अमेजोन फ्लिपकार्ट उसके किस रूप से परिचित है आपको बताना है तो आप गोक बी टू बी बिजनेस टू बिजनेस से ज्यादा को लोग परिचित है खरीदने, आ, तो कर रहे हैं। बहुत ज्यादा ठीक है तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बीस लोग राइट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया ध्यान से आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे आंसर को पढ़ना है क्वेश्चन को आंसर इस तरीके से पढ़ना है नेक्स्ट क्वेश्चन है बेब पेज में जो बेब बेब का मतलब होता है वेबसाइट पेज में होता है ना बेब पेज के अंतर्गत किस प्रकार का विज्ञापन प्रदर्शित होता है तो आपने देखा होगा जब वेब पेज हमारी वेबसाइट है पेपर है कर सर्च करेंगे तो विज्ञापन बहुत तरीके के आएंगे anyway, ठीक है तो उसमें क्या होता है ऑप्शन नंबर ए ए दे रखा है है तो पढ़िए ठीक पॉप पॉप में होता है और अंडर ठीक है पॉप अंडर विज्ञापन जो होते हैं वो क्या होते हैं वेबसाइट के अंतर्गत दिखाए जाते हैं प्रदर्शित किए जाते हैं ठीक है ठीके? उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सा विज्ञापन यदि कोई हो तो लोग सहन करने के लिए सबसे अधिक इच्छुक होते हैं ऐसा कौन सा विज्ञापन है यदि है तो तो सबसे ज्यादा सहन मतलब सबसे ज्यादा टच करने में उसको देखने में लोग अपनी भूमिका निभाते हैं इच्छुक होते हैं ऐसा कौन सा विज्ञापन है तो आप आपको पॉप ऑन पॉप विज्ञापन होता है वो तो नहीं है अंडर विज्ञापन को नहीं होता है ठीक तो है तो को को देखते हैं उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाऊंगा नीचे बताएगा कौन से विज्ञापन देखने में सहायता होता है या कर वेबसाइट पर आने वाले और वास्तव में कुछ खरीदने खरीदने वाले ग्राहकों का प्रतिशत क्या कहलाता है मतलब बोला गया है कि एक वेबसाइट है उस पर आने वाले कोई लोग आया आप आए मान लो मीसो पे आए अमेजोन पर आए उसके बाद में आप वापस चले गए बहुत सारे लोगों के वास्तव में कुछ खरीदने वाले ग्राहकों की प्रतिशत क्या कहलाता है मान लो जिस आप आए वापस चले गए लेकिन आपका साथ कोई दोस्त आया लेकिन उसने कुछ ऑर्डर कर दिया तो वो जो लोग कहलाएंगे वो क्या कहलाएंगे वो आपसे पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर डी उसे कहते हैं रूपांतरण दर कहते हैं क्या कहते हैं बेटा आए और गए लेकिन जिसने खरीदा उसको क्या कहेंगे उसको रूपांतरण दर के अंतर्गत रखा जाता है ठीक है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक विनिर्माण कंपनी में कंपनी विनिर्माण कंपनी में उत्पादन में उपयोग की जाने वाली सामग्री क्या है यदि खुदरा देखो यहां कह दे कह रहा है यदि खुदरा वातावरण में बिक्री के लिए सेल्फ पर रखी जाती है देख सेल्फ होती है उस पर रखी जाती है तो क्या कहलाएगा तो आपको ऑप्शन नंबर ए आना चाहिए प्रत्येक सामग्री कहलाती है प्रत्येक सामग्री कह रहा है एक बी निर्माण कंपनी में उत्पादन में उपयोग की जाने वाली सामग्री एक मान लो बी निर्माण है ठीक है और उसने क्या है उत्पादन में उत्पादन में उपयोग की जाने वाली जो सामग्री है या फिर कह सकते हैं यदि आप ये ना समझ सके तो उन्हें कह रहा है या या फिर खुर्दा जो वातावरण में बिक्री के लिए जो सेल्फ पर रखी गई या जो सेल की जाने वाली सेल्फ कह सकते हैं जो self, जो सेल्फ सेल कही गई है रखी जाती है तो वो कहलाती है प्रत्येक सामग्री सेल पर रखी जाती है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन यहां क्या कह रहा है विशिष्ट यहां देखो यहां है विशिष्ट मूल्य नीलामी मुख्य रूप से किस पर लागू होती है तो कह रहा है विशिष्ट मूल नीलामी जो होती है वो मुख्य रूप से किस पर लागू होती है तो चार ऑप्शन आपके सामने होंगे और आपको केवल पढ़ना क्या है बी ऑप्शन क्या पढ़ना है बी क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूं यार रटा नहीं रहा हूं पढ़ा रहा हूं बस रट लो एक बार में समझ लो उसके बाद में कुछ एक्स्ट्रा टेस्ट वगैरह नहीं चल रहा अभी टेस्ट दो ऑप्शन बताओ ये नहीं चल रहा आपको बस बता रहा हूं रटा रहा हूं ठीक है तो नीलामी का मुख्य रूप किस लागू होता है तो ऑप्शन नंबर बी सेकेंड जो होता है सेकेंड हैंड उत्पाद मतलब कि आपको नीलामी उस चीज की होगी जो पुराना हो चुका है क्या जो पुराना हो चुका है नए उत्पाद के नहीं सेकंड हैंड उत्पाद का ही नीलामी की जाएगी यहां है पैसा पे की सुविधाएं में है मतलब कह सकते हैं सुविधा में है मतलब जो सुविधाएं होती हैं तो वो पैसा पे की क्या होती है तो Amazon पर तो होती नहीं है पैसा पे ना Flipkart पर होती है ए ऑप्शन दे रखा है तो आपको सी बी ए बाई सीओ पर पैसा पे की सुविधाएं दी जाती हैं हैं या होती है, ठीक है तो ये चीज़ है. Question, एक e है, जैसे कि हम एमेजन फ्लिपकार्टी एक वेबसाइट है सी बी ए बाई डॉट सीओ डॉट इन इस पर क्या होती है पैसा पे की सुविधाएं दी जाती हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन यहां देखिए एक किस्मा कह रहा है e ई कॉमर्स के किस रूप में वर्तमान में सभी ई कॉमर्स स्वराज का लगभग सत्तानवे परसेंट हिस्सा है कह रहा है ई e कॉमर्स मतलब जो ई कॉमर्स वेबसाइट एमेजोन फ्लिपकार्ट वगैरह है उनके वर्तमान में जो स्वराज मतलब की राजस्व पर जो परसेंटेज लेती है वो कितना लेती है वेबसाइट से तो आपको बी टू बिजनेस टू बिजनेस बहुत ज्यादा सत्तानवे परसेंट लोग बिजनेस टू तो बिजनेस पे काम करते हैं लगा सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है बिजनेस टू कस्टमर बिजनेस टू कस्टमर मतलब बी टू सी बोलते हैं इसको शॉर्ट में ई कॉमर्स में बेचने के लिए सबसे अच्छे उत्पाद क्या है बिजनेस ने बेचा, मतलब कि आपने बेचा और किसको कस्टमर ने खरीदा इसमें सबसे अच्छे उत्पाद की बात की गई है तो वो होते हैं डिजिटल उत्पाद सबसे बेस्ट होते हैं इन्होंने कहा छोटे उत्पाद विशेष उत्पाद ताजा उत्पाद तो डिजिटल उत्पाद जो होते हैं जैसे जो खराब नहीं होते कभी वो सबसे अच्छे माने जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट पर लोगों को कौन से उत्पाद खरीदने में सबसे अधिक असहिता होती है मतलब सबसे अधिक असहिस्ता किसको होती है तो आप कहोगे जो फर्नीचर होती है उसको असुविधाएं पर होती है जैसे कि आप कहोगे फर्नीचर तो पे यार ऑर्डर कर नहीं सकते कि भैया मुझे इतना बड़ा बेड चाहिए कर सकते हो मुझे बताओ बेड ले ले सकते हो तो बेड गिलाने के लिए कैसे खर्चा आएगा एक ट्रक होना चाहिए भैया समझ रहे हो ना या फिर एक बड़ी सी गाड़ी होनी चाहिए तभी तो बैड आएगा बड़ा वाला लोगे तो तो फर्नीचर में सबसे ज्यादा असुविधाएं देखने को मिलती है असहिस्ता का मतलब होता है असहिदा असुविधाएं देखने को मिलती है ठीक है बी ऑप्शन <laughs> किताबों को बड़े आराम से फिल्म की पिक्चर मंगा सकते हो कोई दिक्कत ही ना है नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट पर कौन से उत्पाद खरीदने में देखो कह रहा है इंटरनेट पर कौन से उत्पाद खरीदने में लोगों के लिए सबसे अधिक सहज मतलब कि आसानी होने की संभावना है सबसे अधिक आसानी किस चीज में होती है तो आपको किताबें सी या फिर पीसी उपयोग से कोई नहीं। आप कहोगे भाई पीसी भी लोग खरीद लेते हैं किताबें भी बड़े आसानी से खरीद लेते हैं कोई दिक्कत ही नहीं है छोटी चीजें बॉक्स में भर के चले आता है नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया एक व्यवसाय सभी लोगों के लिए सब कुछ नहीं हो सकता एक व्यवसाय है मतलब बिजनेस है वो सभी लोगों के लिए सब कुछ नहीं हो सकता इसके बजाय एक व्यवसाय को चाहिए एक व्यवसाय को चाहिए क्या चाहिए एक व्यवसायिक बिजनेसमैन को क्या चाहिए तो आप कहोगे उपरोक्त सभी चाहिए मतलब कि लक्ष्य ग्राहकों की पहचान करें वो क्या है मतलब कि लक्षित मतलब कि लक्षित ग्राहक वो कहलाते हैं कस्टमर वो कहलाते हैं जो उस प्रोडक्ट को खरी सकते खरीद सकते हैं वास्तव में खरीदने आए हैं उसकी पहचान करने के अंदर बिजनेसमैन के अंदर ये उसके अंदर एक एक क्या है एक पॉइंट होना चाहिए एक विशेषता होनी चाहिए दूसरा पॉइंट हमने दिया है ग्राहक द्वारा समझे गए उत्पाद और सेवाओं के मूल की पहचान करें साथ ही साथ वो कह सके कि एक बंदा इतने में खरीद सकता है उस तरीके से उसको कन्वर्स करना चाहिए तो ये चीज पॉइंट होती है जो तो मेन चीज आपको समझना चाहिए मैं आपको समझा के बढ़ा रहा हूं ध्यान रखिए कह रहा है ई कॉमर्स में लेन देन कैसे होता है बताओ ई कॉमर्स वेबसाइट है एमेजॉन में लेन देन कैसा होता है तो आप कहोगे ई मीडिया के द्वारा होता है मैं ऊपर बता चुका हूं ई मीडिया के द्वारा होता है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है देखिए यहां कह रहा है डिजिटल उत्पाद सी बीस बी टू सी मतलब कि बिजनेस टू ग्राहक ठीक है ई कॉमर्स के लिए सबसे उपयुक्त है क्योंकि बे क्योंकि बे क्या चाहते हैं आपो उपयोग सभी क्या उत्पाद की तरह वस्तु है बड़े पैमाने पर अनुकूलित और व्यकृत क्रिया किया जाता है यह खरीदने खरीद के समय विपरीत किया जा सकता है आपको बताया बिजनेस को आपने रिटर्न मारते होंगे आप लोग प्रोडक्ट गलत आ गया रिटर्न मार दो तो वो चीजें विपरीत मतलब कि वितरित किया जाता है मतलब कि वापस किया जा सकता है तो ये चीजें कुछ पॉइंटें होती हैं जो हम डिजिटल उत्पाद को आसानी से खरीद सकते हैं लेकिन उसको वापस भी कर सकते हैं ठीक है ये चीजें नेक्स्ट क्वेश्चन यह कह रहा है कि सभी व्यावसायिक आवश्यकता का समाधान है जो सभी व्यावसायिक आवश्यकता का समाधान है तो आपको बी क्या है सभी व्यवसायिक जो होते हैं उनका आवश्यकता का जो समाधान होता है वो होता है ई पी आर ई पी आर एक ऐसा प्रोडक्शन होता है जिस पे आप सभी जो व्यवसाय से करते हैं ईपीआर को ध्यान रखना है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन ये है निम्नलिखित में से निम्नलिखित सभी तकनीकें मतलब कि टेक्नोलॉजी जिसे कहते हैं बी टू सी मतलब कि बिजनेस टू कस्टमर ठीक है e ई कॉमर्स कंपनियां ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए उपयोग करती हैं ऐसी कंपनियां ई कॉमर्स कंपनियां जैसे कि एमेजन फ्लिपकार्ट कुछ ऑफर प्रोवाइड करती हैं भैया पैसा बहुत ज्यादा डाल देंगे कि भैया फिफ्टी परसेंट डिस्काउंट चल रहा है पचास परसेंट डिस्काउंट चल रहा है आकर्षित करने के लिए उन्हें कुछ या कुछ उपयोग करती हैं ठीक है ठीके? उनके सिवाय इसके किस चीज के सिवाय करती है तो ऑप्शन नंबर डी आप कोगे जो एक होता है आभासी विपणन एक होता है आभासी विपड़ उसके अलावा वो सब लोग को करते हैं ऑनलाइन विज्ञापन दिखाएंगे कि भैया आज हमारी ये पैंट है वो फ्री मिल रही है दस परसेंट छूट मतलब नब्बे परसेंट छूट केवल दस परसेंट मिल रही है वही वायरल मार्केटिंग ऑन कर देंगे भैया आप एमेजॉन तो आपने देखा होगा कि जो मार्केट होते हैं कुछ उनके बाहर दुकान लगाते हैं तो भैया बीस परसेंट सौ सौ रुपये में दस दस रुपये में खरीद लो ये चीजें तो वो चीजें वायरल मार्केटिंग भैया खोज इंजे क्या कह है खोज इंजन के साथ पंचीकरण मतलब कोई जो ज्यादा को लोग खोजते हैं उस चीज को क्या कर देते हैं वो लोग पंचीकरण कर देते हैं तो ये चीज क्या होती है आपको समझना है बहुत बेहतर तरीके से अब नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन मैंने कहा था तीस क्वेश्चन में इस वीडियो में कराऊंगा उसके बाद में पार्ट टू में हम डालेंगे इकतीस से क्योंकि कम पढ़ो बेहतर पढ़ो और अच्छे तरीके से समझ के पढ़ो मैं ये कहता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यापार रणनीति और आईटी टी यहां बोला गया एक होता है व्यापार मतलब बिजनेस रणनीति ठीक है और आईटी पर विचार करते समय निम्नलिखित में से कौन एक उपयोगी सुधार तंत्र है तो सबसे उपयोगी सुधार तंत्र सभी को माना गया है तो आप कहेंगे एक होता है एक चारों को बोला गया ऑप्शन नंबर डी को मैंने कहा पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे फिर आंसर को पढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर इस तरीके से हम वन टू आराम से पढ़ेंगे क्योंकि बेहतर करना है हमें कुछ नया करना है आ गई है यार 2021 यार दो हज़ार इक्कीस नया करना है चैनल को अभी सब्सक्राइब करना है चैनल को सब्सक्राइब करके आइकन को प्रेस करना दोस्तों को शेयर कर देना मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो तब तो तक तो बाय बाय दोस्तों और पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए पेपर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं